भी नहीं चलेगी, भर से इकट्ठा होकर होमगार्ड जवान यहाँ पहुंच चुके हैं राजभवन, जो मोरहाबादी मैदान से पैदल मार्च करते हुए यहाँ पर आए थे। और होमगार्ड जवानों की मांग है समान काम का समान वेतन। इस मांग के साथ यहाँ पर आज इन्होंने हल्ला बोल मार्च किया, और इस हल्ला बोल मार्च को सफल बनाने के लिए आज ये यहाँ पर एक दिवसीय धरना भी देंगे। सरकार को एक तरह से सीधी चेतावनी है कि वह उनकी बातें और उनके जो मांग है उनको पूरी करने के लिए वेतन बढ़ाया, समाज मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, जो अपना वादा किया था वादा पूरा करे और हम लोग का समान काम का समान वेतन दिया करे। और ये अंग्रेजों के द्वारा जो स्वयंसेवी एक्ट लगाया गया था, अंग्रेज तो चले गए लेकिन स्वयंसेवी एक्ट में जो काला कानून है वो अभी तक गया नहीं है। उस कानून को हटा के हम लोग का राज्य कर्मी का दर्जा दे और समान काम का समान वेतन दे हम लोग को। हाँ जी हाँ जी, सबसे पहले तो हम लोग को नियमित करे और समान काम का समान वेतन दे और नियमित रोजगार दे, ड्यूटी दे, जिससे हम लोग का रोजगार अच्छा से चल सके, अपना जीवन यापन चल सके। ये काला कानून को हटा के हम लोग राज्य कर्मी का दर्जा मिले। झारखंड राज्य के गृहरक्षकों को भी समान काम का समान वेतन के साथ साथ बिहार में जो तमाम सरकारी विभागों में होमगार्ड को लगाया करके बिहार की सरकार जो गृहरक्षकों को नियमित रोजगार दे रही है, मैं झारखंड से भी सरकार से मांग करता हूँ कि चुनाव के पूर्व जो आपने वादे किए थे झारखंड राज्य के गृहरक्षकों को, जिस पर झारखंड राज्य के गृहरक्षकों ने आपको बढ़ चढ़ करके समर्थन किया था सरकार बनाने में, आज आपका 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, ना बिहार के राज्य का मामला आज तक आप झारखंड में निपटारा कर पाए और ना ही समान काम का समान वेतन, झारखंड हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है समान वेतन का, ना वो लागू कर पाए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि बिहार जैसे किसान प्रधान राज्य में जो है वहाँ पर गृहरक्षक को रिटायरमेंट मिलता है, रोजगार बराबर मिल रही है, वेतन समान काम का मिल रहा है, और झारखंड जो है सबसे धनी राज्य है इस पूरे भारतवर्ष में, और यहाँ के होमगार्ड भूखे बैठे हैं और ये सरकार सोई हुई है। तो आज सरकार को हम चेतावनी रैली के रूप में बताने आए हैं कि अभी तो ये आगाज है, आगे और लड़ाई बढ़ेगी, या तो सरकार बैठ करके एसोसिएशन के साथ राज्य के गृहरक्षकों का ड्यूटी स्थायी करते हुए समान काम का वेतन लागू करे बिहार के तट पर, अन्यथा आने वाले दिनों में विधि व्यवस्था को हम लोग राजधानी रांची का ठप कर देंगे। 2400 डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं और अपने मांग को बुलंद रखते हुए हल्ला बोल रैली जो है निकाला गया है। आप देख सकते हैं कि 2400 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हुए हैं और अपना हक मांगने के लिए आए हुए हैं। हम लोग का हक ये है कि समान काम का समान वेतन जो है लागू होना चाहिए और राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। ये होमगार्ड का जो ठप्पा है काफ़ी पुराना है, देश आज़ाद होने से पहले का है ये है, लेकिन अभी तक जो है झारखंड सरकार जो है अपने वादा बड़े बड़े करते हैं लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं कर पा रही है। अब मीडिया बंधु है आप देखते ही होंगे, हम लोग को मांग है कि समान काम का समान वेतन जो है मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे जगह पे ड्यूटी करते हैं जहाँ पे झारखंड पुलिस करते हैं हम भी वहाँ पे करते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग ड्यूटी करते हैं अपना। तो हम लोग को मांग जो है बस झारखंड सरकार से अपना हल्ला बोल रैली निकाले हैं कि चेत जाइए, हम लोग का जो मांग है उसको पूरा कीजिए। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।